गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे युद्ध का असर। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। अर्थात जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का इतना प्रभाव हुआ कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पूरी तरीके से कमज़ोर हो गए। यूरोप कल तक कर्ज देने वाले महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमातियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी या पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया, क्योंकि जो क्रांति थी वो नवंबर में हुई थी, इसलिए उनको नवंबर के अपराधी कहा गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाके सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो सैनिक थे, उन सैनिकों को सम्मान दिया जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे जो नए तानाशाह आ रहे थे उनका भी प्रभाव दिखाई दे रहा था। वो भी समाज पर अपना प्रभाव जमा रहे थे। राजनीतिक रेडिकलवाद अर्थात आमूल जो परिवर्तनवाद है, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से परिवर्तन हुआ, और फिर उसके बाद में जो आर्थिक संकट आया वो किस तरीके से आया, इसको हम पढ़ेंगे। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टिक्स लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों में वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया गया। अर्थात एक ऐसे गणतंत्र की स्थापना की जाए, एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की जाए जो जनता का जिसको जनता का समर्थन हो, जनता के द्वारा निर्मित हो, जनता के द्वारा शासन चलाया जा सके। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के भी फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टिकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट या जो साम्यवादी थे और जो समाजवादी थे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्वयुद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर जाना भी भरना पड़ा था। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। अर्थात जो जर्मनी था वो कर्जा नहीं चुका सका, तो उसने मना कर दिया, और जो फ्रांसीसी थे उन्होंने जो रूर था उस पर अधिकार कर लिया, जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र था। सॉरी
ये जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापा शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी गई कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,000 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ रही थी तो उच्च स्थिति को अति मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है या मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डोप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। अर्थात जो हर्जाना पहले था उसको दोबारा से तय किया गया कि उसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, आगे क्लास हम कल पढ़ेंगे।